हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज पहली बार हम लेके आए हैं अपने इस चैनल में एक नया वीडियो जो है दोने पत्तल से रिलेटेड। ये देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे कि दोने पत्तल की मशीन में रोल को कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ये पुराना वाला जो हमारा रोल है इसमें लगा हुआ था, इसको पहले फिनिश कर देते हैं। ये वाला रोल जब ख़त्म हो जाएगा हमारा, इसके बाद ही हम दूसरा लगा पाएंगे। उसके पहले मतलब वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक रुपए करके ही हमको बचत होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो जो भी आप दोने पत्तल का बिज़नेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके मुनाफे और जितना भी आपको फ़ायदा होगा और नुकसान होगा उसका भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए किस तरह की इसमें रोल फिट होता है। तो पहले वाले रोल को अभी हम थोड़ा निकाल लेंगे, इसको भी यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें दूसरा रोल लगेगा। तो इसमें बचत मतलब कि आधे से टूट जाता है। तो लास्ट में क्या होता है ना, ये रैप रहता है, तो इसका थोड़ा सा इसमें जो रोल रह जाता है तो बच जाता है। तो इसको पहले हम यूज़ कर लेते हैं, ये बस लास्ट है, इसको निकाल लेंगे, फिर इसके बाद आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, तो इसमें हमें वेस्टेज नहीं करनी है दोस्तों। आपको अगर इसमें अच्छे से आपको काम करना आ गया तो आप काफ़ी इसमें पैसा बचा सकते हैं। बस इसमें काम करने वाले की कमी है, बाकी पैसों की कोई कमी नहीं है। बाकी ये देखिए, अभी हमारा रोल आगे निकल चुका है और इसको अभी खोलने के लिए ये ले लिया है हमने चाबी को, और इसको खोल देंगे। सबसे पहले इसके नट जो इसके साइडों में लगे हुए हैं इनको खोल देंगे। ये देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिख ही पा रहा होगा, तो इनको लूज़ करके और फिर इसको निकालना होगा हमको। तो ये देखिए, हमने इसका नट निकाल दिया है, और ये होते हैं इसका सपोर्टर, जो इस मतलब जो रोल होता है इसमें लगता है, उसमें सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है ये वाला नट। ये देखिए, जैसा आपको दिख ही रहा होगा ये कैसा टाइप का इसकी शेप है, किस तरह से ये बना हुआ है। तो अभी हम जब इसको वापस से फिट करेंगे तब आपको मैं इसको दिखाऊँगी। ये देखिए, इस साइड का भी इसको खोल देंगे, और उस साइड का हमने इसको ज़्यादा लूज़ नहीं किया, इस साइड का ही इसको खोला है खाली। तो अभी ये देखिए, ये हमारा रोल का जो लास्ट का बच जाता है जिसमें कि ये रोल पूरा चिपका रहता है, वो निकाल दिया है हमने। और अब ये निकाल देंगे इसका हैंडल जिसमें ये लगता है रोल। तो ये देखिए, अब इसको इसमें यहाँ से इस साइड से डाल करके साइड से निकाल दिया है इसको, और उस साइड से हमने नट नहीं खोला तो उस साइड कसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस साइड से हमने इसका रोल का सपोर्टर लगा दिया है। ये देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, ये देख पा रहे होंगे। और अब यहाँ से इस नट को भी हम कस देंगे ताकि ये रोल जब चले तो ये खिसके ना, अपनी जगह से हिले ना, और अगर ये हिलेगा तो हमारी प्लेट में भी मतलब अच्छे से बन नहीं पाएगी, कहीं से कट जाएगी। तो इसलिए रोल हमारा अच्छे से फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, रोल उतना ही बड़ा है, जैसे 7 इंच की प्लेट होती है तो रोल भी उतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। एक्स्ट्रा लोगे तो आपका वेस्टेज जाएगा और इसमें पैसे की बर्बादी होती है। तो बस हमारा रोल हो गया है, इसका पूरा हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे डिटेल में। आज ये पहला वीडियो है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि रोल कैसे फिट कर पाएँ। तो बस हम रोल की ही इसमें जानकारी देंगे, ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। और ये देखिए, हाथों से थपकी मार करके इस रोल को हमने फिक्स कर दिया है। जो इधर उधर भाग रहा होगा वो भी अपने लेवल में आ जाएगा। बाकी रोल हमने रख दिया है, पहले एक साइड से रखा है, फिर दूसरी साइड से रख दिया है। अभी इसके बाद हम ये लेके आ गए हैं दूसरी वाली चाबी, और जिससे इस नट को हम अच्छे से कस देंगे ताकि ये जो रोल का सपोर्टर है ये अच्छे से इसमें फिट आ जाए और रोल इधर उधर भागे ना, जिससे हमारी प्लेट बनने में कोई दिक्कत ना आए, प्लेट में कोई कट ना लगे, हमारी प्लेट बिल्कुल एग्जैक्ट बने, जैसी हमको चाहिए वैसा ही बने और कहीं से कट ना लगे। तो इसलिए इसको रोल सपोर्टर के फिक्स करके अच्छे से इसको इसके बीच में ही फिक्स करना चाहिए आपके रोल को। बाकी अच्छे से इसको हमने चाबी से कस देंगे, फिर इसके बाद का प्रोसेस आप देखिए। पहले चाबी से इसको अच्छे से कस देते हैं। तो ये देखिए, इस साइड से पूरा हमारा कस चुका है, और दूसरी साइड से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने इसको लूज़ नहीं किया था तो इसको ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का थोड़ा इसको फिक्स कर देंगे और बाकी ये फिक्स ही रहता है, मतलब कि खिसकता नहीं है बिना इसको हाथ लगाए। तो बस अभी हो गया हमारा ये रोल फिक्स, और ये देखिए, अभी ये रोल को हम इसमें लगाने के लिए, मशीन में आगे करने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है चिट, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको रोल फाड़ना है। तो सबसे पहले इस चिट को निकाल देंगे और फिर इसका रोल का पार्ट इसमें मशीन में डालेंगे। ये देखिए, इसका चिट निकाल देंगे आराम से, ताकि इसकी ये जो लैमिनेशन सीट होती है, पन्नी होती है, ये निकले ना और आपका वेस्ट ना हो इतना कागज़ भी। तो
तो इसको अच्छे से निकाल रहे हैं और फिर इसको इसमें मशीन में डाल करके आपको अच्छे से दिखाएंगे। पूरा डिटेलिंग में आपको ये वीडियो हम समझा रहे हैं। जो भी भाई नए हैं और बहनें ये काम को करना चाह रही हैं और आता नहीं है, नहीं कोई सपोर्ट करने वाला है, तो आप हमारी वीडियो के जरिए आप अपने आराम से घर बैठे भी इस काम को सीख सकते हैं। तो बस आप लोगों को हमारा ऐसे ही सपोर्ट करना है। ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तो जिससे और भाई बहनों को मदद मिल सके हमारी इस वीडियो के थ्रू। तो ये देखिए अब हमारा रोल आ चुका है और अब हमको यहाँ जो ये दिया गया है सरिया और ये दो रोलर टाइप के हैं आगे जा रहे हैं, बस यहाँ पर फंसा देना है। तो इसके बाद का काम है कि रोल अपने आप ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये देखिए वहाँ से आ गया है वो रोल और अभी आ जाएगा आगे, हमको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वहाँ से इसको फंसाना होता है। और ये हमारा अभी थोड़ा ख़राब हो रखा है, ये आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, तो अगली वीडियो में इसको हम दूसरे वाले इसमें लगाएंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने इसको रोल को हाथ से थोड़ा आगे खींच लिया है, आगे की मशीन को थोड़ा रोक करके, और बस हमारी ये मशीन बिल्कुल अच्छे से हो गई है फिक्स। और ये देखिए हमारा रोल एग्जैक्ट लगा है, कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा है, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही प्लेट बन रहा है, कोई इधर उधर कट नहीं लग रहा है और बस हल्का थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि अभी मशीन गर्म है। जितनी देर में हमने ये मशीन लगाया है, इसमें रोल लगाया है मशीन में, उतनी देर में ये मशीन गर्म हो गई है, एक्स्ट्रा हीट हो गई है, तो इसके लिए आप कम भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा चिपकने की प्रॉब्लम होती है, वो आप हाथ से इसको निकाल के अच्छे से निकाल सकते हो प्लेटें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा रोल आ रहा है। तो जिस किसी को भी ये वीडियो आप लोग भेजना चाहें, आप लोगों को लगे कि इसको नहीं आ रहा है काम, तो इस वीडियो के थ्रू वो सीख सकते हैं, तो वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने भाई बहनों रिश्तेदारों के पास और जिन्होंने भी ये नया काम शुरू किया है। बाकी आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ये देखिए कितना हार्ड मटेरियल है, ये प्रीमियम क्वालिटी का प्लेट हमारा बन के आ गया है और तैयार हो गया है। अब बस ये माल पैक होगा और बिकने के लिए जाएगा आगे। तो हमारे इसी ऐसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।